बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि का समय होता है। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, शिवलिंग इतना बड़ा बड़ा, लेकिन पता ही नहीं है कि ये कौन है। बच्चों को समझाया है कि आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, सबके अंदर आत्मा है, चाहे वो छोटा सा बच्चा है चाहे बड़ा आदमी है। आत्मा का साइज क्या छोटा बड़ा है? नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र है और निर्विकारी है। परमात्मा क्या चीज है? यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि परमात्मा किसको कहें, वो निराकार है। परम आत्मा, आत्मा मतलब कैसी होती है, आत्मा कैसा दिखता है, आत्मा को डिनोट कैसे करते हैं? दुनिया में लोग टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे कोई मरता है तो दिया जलाते हैं, सोचते हैं वो दिया है, आत्मा का है, आत्मा दिया जैसी दिखती है, एनर्जी है, ऊर्जा है, इस शरीर में ऊर्जा विराजमान है, निराकार है, ज्योति बिंदु। तो हम सब आत्माओं का पिता कैसा होगा? तो उनको कहते हैं परम आत्मा। आत्मा के आगे परम लगा हुआ है। आत्मा पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा, ये सब आत्मा है, मनुष्य है, लेकिन परम आत्मा निराकार, वो मनुष्य नहीं है, वो शरीर नहीं है उनका, अजन्मा बोलते हैं उनको। वो आते हैं एक बूढ़ा शरीर में, वो दिखाए हैं, लेकिन उनके तन में प्रवेश अवतरित होके पढ़ाते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। तो उनको कहा जाता है परमात्मा, वो सुप्रीम है। वही बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया में इसको कैसे डिनोट किया है, बहुत बड़ा बड़ा लिंग बनाया है शिवलिंग का, और उसमें तीन लाइन होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो रचयिता शिव बाबा, रचना वो लोग, और एक बीच में लाल रंग का बिंदु। सुप्रीम किसको कहा जाता है? अब सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र है और निर्विकारी है। ये परमात्मा के बारे में भी बाबा बता रहे हैं कि तुम आत्माएं, तुम आत्माएं भी तो निर्विकारी थी कब, और दुनिया भी निर्विकारी थी सतयुग में, उनको कहा ही जाता संपूर्ण निर्विकारी।